बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत जुमा का दिन जो है वो मुबारक हो। जी तो व्यूअर्स, पिछले दिनों मेरा इस्लामाबाद जाना हुआ था, तो मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग जो था वो कैप्चर किया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। हम लोग विरसा आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस की ट्रिप वगैरह जो थी वो भी यहाँ पे आई हुई थी। इसलिए आज आपको मेरी वीडियो के अंदर शोर शराबा जो है वो सुनाई देगा। तो चलिए आज हम बोलेंगे कम और दिखाएंगे आपको ज़्यादा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, क्योंकि विजिटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं तो फिर वो वापसी पे जाते हुए अपने अजीज़ों कारब के लिए गिफ्ट वगैरह जो है वो लेकर जाते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले ये काम ज़रूरी जो है इसे कर लिया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग न्यू हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी देर से हम लोग घूम फिर रहे थे, तो हमें वहाँ पर गोलगप्पे वगैरह की जो ठेले हैं वो भी नज़र आए। तो गोलगप्पे नज़र आए और खाएं ना, ये हो नहीं सकता। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे आगे तकरीबन किसी कॉलेज वगैरह की ट्रिप है। आजकल इस तरह के मकामात पर बहुत ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस की ट्रिप वगैरह जो है वो जा रही हैं, क्योंकि ये हमारा विरसा है, हमारी सकाफत है। ये देखिए यहाँ पे मॉडल बनाया गया है कुएं का, गांव का माहौल जो है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जी तो ये है शाही सवारी, इस पे आप झूला भी ले सकते हैं, बग्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको चल के कुछ ये यहाँ पे एग्जीबिशन और स्टॉल्स वगैरह जो हैं कपड़ों के रिलेटेड भी लगे हुए हैं। मोस्टली विजिटर्स जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं या आउट ऑफ कंट्रीज से आते हैं वो यहाँ पे शॉपिंग लाजमी करते हैं। ये देखिए मग के ऊपर पेंटिंग की जा रही है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए डेकोरेशन पीसेस। अभी इस्लामाबाद का मौसम जो है ये खुशगवार है, इतनी ज़्यादा अभी यहाँ पे ठंड तो नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो मज़े का है। चलते चलते साथ साथ थोड़ा बहुत चस्का मुस्का भी लगाया जा रहा है, मुंह चलता रहे तो आउटिंग का थोड़ा मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है, ये सब कुछ हर तरह की एम्ब्रॉयडरी के कपड़े जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं चारों सूबों की मुनासबत से। हालांकि ऐसी जगहों पर जो स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ पे ये गिफ्ट्स वगैरह जो हैं काफ़ी कॉस्टली लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर आने जाने वाला अपने अजीज़ों कारब फ्रेंड्स वगैरह के लिए यहाँ से तहाइफ जो है वो ज़रूर लेता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की वो हमारे कल्चर को उजागर करती हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टूर है वो लेक व्यू झील है। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे करेंगे। बोटिंग वगैरह जो है वो की जा रही है। शाम हो रही है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए अभी हमें फैसल मस्जिद जो है वहाँ पर भी जाना है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कैप्चर करके नहीं दिखाऊंगी, ताकि हम टाइम पर जो है वो आगे भी जा सकें। शाम का बहुत खूबसूरत मंजर। जी तो व्यूअर्स, यहीं पर पार्क भी बना हुआ है जहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह हैं। आउटिंग के लिए आए हों और बच्चे झूले ना लें, ये हो नहीं सकता। आप किसी भी तरह बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि वो झूले ना लें। तो चलिए अंदर चलते हैं। झूले हर हालत में बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मोस्टली जब रात हो जाती है और लाइटिंग हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये एरिया जो होता है, और ना चाहते हुए भी इंसान का दिल करता है कि इंसान जाए और इंजॉय करे। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ गई थी, लेकिन उस वक्त यहाँ पे इतने ज़्यादा झूले वगैरह जो थे ये नहीं थे। दिन ब दिन हर चीज़ जो है वो तरक्की कर रही है, नई से नई चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं फैसल मस्जिद। रात का बहुत खूबसूरत नज़ारा। वैसे तो फैसल मस्जिद का कलर जो है वो वाइट है, वाइट मार्बल है, लेकिन रात हो चुकी है और अंदर लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं, इसलिए ये गोल्डन लुक ये देखिए दे रही है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। इस्लामाबाद आएं और फैसल मस्जिद ना देखें तो समझें कि आपने कुछ नहीं देखा। इसे सऊदी अरेबिया के बादशाह शाह फैसल के नाम पर रखा गया। बच्चों का दिल नहीं भर रहा, उनका दिल चाह रहा है कि बस हर कोना जो है इसका वो हम घूम फिर के आएं, कैप्चर करें उसे। लेकिन चूंकि रात हो चुकी है इसलिए अब हम ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो मगरिब की अजान हो रही थी और यहाँ पर नमाज जो थी वो अदा हो रही थी, इसलिए हमें बाहर वेट करना पड़ा। जी तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत ज़्यादा घूम फिर लिया, बहुत थक चुके हैं। अब हम घर को वापस चलते हैं और आप चल के मेरी वीडियो को वॉच करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम घर को चलते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो और मस्ती भरी कुकिंग के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।